अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसपी कुरियन लाइफ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं पॉलर जैसे स्किन पॉलिश घर पर करना बताऊँ, तो आज की वीडियो से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर आपको स्पेशल ब्यूटी से रिलेटेड तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ स्किन पॉलिश से रिलेटेड, फाउंडेशन से रिलेटेड, फेशियल से रिलेटेड। तो अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल का विज़िट करें और देख कर आएँ। तो आज हम बात करेंगे स्किन पॉलिश की, और मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगी जो कि पॉलर्स में यूज़ किया जाता है, जिसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमक जाती है। जैसे आप पॉलर्स से स्किन पॉलिश करा के आते हैं तो आपकी स्किन नेचुरली बहुत ज़्यादा ग्लो भी करती है और आपकी स्किन पर आपके डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से स्किन पॉलिश करोगे तो 110% आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो भी करेगी और वैसा ही इफेक्ट आपको मिलेगा जैसा कि आप पॉलर्स में 1500-2000 देकर आप स्किन पॉलिश करवाते हैं तो आपको जो इफेक्ट मिलता है। तो आप इजीली वो अपने पैसे बचाएं और घर पर स्किन पॉलिश करें जैसे आज मैं आपको बताऊंगी। जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी, आपने सेम उसी मेथड से स्किन पॉलिश करनी है तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलेगा। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ड्यू हर्बल वालों की स्किन पॉलिश। आपको जो भी स्किन पॉलिश सूट करती है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्यू हर्बल वालों की स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। फर्स्ट अप्लाई से इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलता है। तो सबसे पहले हमने इसकी क्रीम लेनी है और उसको एक चम्मच हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। अब हमने आधा चम्मच इसमें ब्लीच पाउडर ऐड करना है। आप कोई सी भी स्किन पॉलिश यूज़ कर सकते हो, क्यूनर वालों की ब्लीच है पाउडर यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी की ब्लीच क्रीम यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ये यूज़ करो। ये जो ब्लीच क्रीम है इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आधा चम्मच हमने ब्लीच पाउडर ऐड किया, अब हमने इसमें वाइटनिंग पाउडर ऐड करना है। वाइटनिंग पाउडर मैं यहाँ पे गोल्डन गर्ल वालों को यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन गोल्डन गर्ल वालों का वाइटनिंग पाउडर का इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। हमने आधा ही चम्मच इसमें गोल्डन गर्ल वालों का वाइटनिंग पाउडर ऐड करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर सॉफ्ट टच वालों का ही वाइटनिंग बूस्टर ऐड कर रही हूँ, गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स का ही वाइटनिंग बूस्टर ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच हमने इसमें वाइटनिंग बूस्टर ऐड करना है। वाइटनिंग बूस्टर ऐड करने से ये होता है कि हमारी स्किन ज़्यादा हार्श नहीं होती। अगर हमारी स्किन पर पिंपल्स वगैरह भी हैं तो हमें ज़्यादा उस उनको अफेक्ट नहीं होगा हमारी स्किन पर ज़्यादा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर। सॉफ्ट टच की कंपनी के स्किन शाइनर वाइटनिंग बूस्टर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप हमेशा यही दोनों स्किन शाइनर एंड बूस्टर यूज़ किए कीजिएगा। एक चम्मच हमने इसमें स्किन शाइनर ऐड किया। स्किन शाइनर हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो देगी। जो आप देखते हैं अक्सर पॉलर्स में ब्लीच करने के बाद हमारी स्किन पर ग्लो आता है, वो स्किन शाइनर की वजह से ही आता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इजीली आपको मेडिकल शॉप से भी मिल जाएगी। तो एक चम्मच हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। उसके बाद जो हमने मेन जो सीक्रेट है वो इसमें ऐड करना है वो है जी वाइटनिंग कैप्सूल। जी हाँ जी, वाइटनिंग कैप्सूल ऐड किया जाता है पॉलर्स में। जब आप स्किन पॉलिश करवाते हो तो उधर वो उस वाइटनिंग कैप्सूल एक ऐड करती हैं अब स्किन पॉलिश करते हुए। तो आपने एक वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करना है, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि अप्लाई करने का तरीका भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने जो ये ब्लीच मिक्स कर ली है तो अब हमने इसको फ़ौरन से अप्लाई नहीं करना, हमने इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है और इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसे हमने इसको हाथ नहीं लगाना है, बस इसको रख देना है। उसके बाद ये अच्छे से फ्लफी सी हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर। सबसे पहले हम पैच टेस्ट कर लेते हैं। पैच टेस्ट हम यहाँ तो अपनी फ्रंट बाजू पर करते हैं या फिर अपनी गर्दन पर लगाकर थोड़ा सा पैच टेस्ट करते हैं कि ये स्किन पॉलिश हमें सूट करती है या नहीं। तो आपने पहले इसका पैच टेस्ट अच्छे से कर लेना है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। हमने सिंपल ब्रश लिया, उससे हमने अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है। अच्छे से आपने अप्लाई कर
हमने इसको अच्छे से एक बार अप्लाई कर लिया, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने 5 मिनट के बाद हमने इसकी मसाज करनी है 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने एक और कोट स्किन पॉलिश का अपने फेस पर अप्लाई करना है, जैसे कि पॉलर्स में अप्लाई किया जाता है, वो उस तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद हमने 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है, और बाद में ठंडे पानी से हमने इसको सिंपल वॉश कर लेना है। आप देखेंगे आपको नेचुरली बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा, और लाइव आप देख भी सकते हो इसका रिजल्ट कितना।